हेलो माय डियर स्टूडेंट वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आई एम यशन यादव वाईफाई स्टडी सर्किल में आज हम लेकर के आए केमिकल बॉन्डिंग लेक्चर नंबर फाइव इससे पहले हमने फोर लेक्चर कर चुके हैं और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया डबल बाड कैसे फॉर्मेशन करते हैं सिंगल बाड का फॉर्मेशन कैसे करते हैं और ट्रिपल बॉन्ड का फार्मेशन कैसे करते हैं लुइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है कैसे उनको ड्रा किया जाता है सेल क्या होता है ऑर्बिट क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटॉमिक नंबर एंड मासेस ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड हमने इसकी प्रॉपर्टी भी डिस्कस किया सो so, नाउ नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवायलेंट एंड कोवायलेंट इलेक्ट्रोवायलेंट और कोवायलेंट कंपाउंड लेंगे और इलेक्ट्रिसिटी में क्या उसका इफेक्ट होगा यहाँ पे ये हम चीज़ें डिस्कस करेंगे एक मैजिक है एक्सपेरिमेंट है साइंस में जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे फाइनल रिजल्ट तक आप नहीं पहुँचेंगे उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा रिजल्ट क्या होगा और उसका यूज़ क्या है हमारे लाइफ में एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे जब तक उसको एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे केमिस्ट्री पूरी आपका आ, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड है और जितनी भी वैल्यू ली जाती हैं यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिए जाते हैं वो सारे एक्सपेरिमेंट पे डिसाइड करते हैं ओके okay, तो यहां पे आयनिक कंपाउंड लेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड लेंगे कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो नॉन मेटल को लेकर के कोवेलेंट कंपाउंड लेते हैं एग्जाम्पल में जैसे कि एच सी एल ओकेच थ्री ओके एनएच थ्री लाइक दिस हाइड्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फ्लोरिन मॉलिक्यूल लाइक दिस सिमिलर टाइप के तो ये आपके क्या हो गए हैं कोवेलेंट कंपाउंड हो गए और आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव और आपका पीरियोडिक टेबल के सबसे राइट right वाले जो एटम होते हैं सिक्सटीन ग्रुप सेवनटीन ग्रुप फिफ्टीन ग्रुप फोर्टीन ग्रुप के एलिमेंट और फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप के मोर पॉजिटिव वाले एल्कली मेटर और एल्कलाइन अर्थ मेटल वाले मिल करके जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत कायदे से देखा तो आज यहाँ पे हम आयनिक कंपाउंड लेंगे और कोवेलेंट कंपाउंड लेंगे और उसको एक्सपेरिमेंट करेंगे क्या होगा एक्सपेरिमेंट करेंगे ओके तो आइए कुछ मैजिक सीखते हैं मैजिक आप ऐसा ऐसा कोई मैजिक नहीं सिखाएंगे कि हवा में आप कबूतर को पतंग बना दें या पतंग को कबूतर बना दें ऐसा कुछ नहीं यहाँ पे कुछ आ, यही साइंस को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आइए देखते हैं तो एक बार आप आपको धीरे धीरे जैसे कोवेलेंट कंपाउंड जैसे मैं आपको कोवेलेंट कंपाउंड क्या क्या होंगे आ, यहाँ पे हम एक कंपाउंड के एग्जाम्पल ले लेते हैं कोवेलेंट कोवेलेंट कंपाउंड के एग्जाम्पल ले लेते हैं और आर्निक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड सिमिलर चीजें होती हैं तो यहाँ पे परेशान ना हो या इसको हम लिख सकते हैं कोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉरी इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवैलेंट इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड बोथ हार सेम एंड कोवैलेंट कंपाउंड डिफर uh, दिस तो लेट सपोर्ट दैट कि हम यहाँ क्लोरो ले रहे हैं क्लोरोफार्म सी CH, एच सी एच थ्री सी एच थ्री और सी एल ये क्लोरो होता है क्लोरोफार्म एंड सुगर सोलूशन शुगर सोलूशन सी सी एलेवन एच ट्वेंटी टू ओ ओ एलेवन सी सी एलेवेन एच ट्वेंटी टू एंड ओ एलेवेन ओके तो दिस इज दुगर सोल्यूशन डिजिटल वाटर डिजिटल वाटर ऑल्सो इट इज द कोएलेंट कंपाउंड एंड बेंजीन बेंजीन को हम ये बेंजीन आप बनाना सीख लें बेंजीन इसको हम C6 सिक्स सी सिक्स एच सिक्स सी सिक्स एच सिक्स या बेंजीन इस तरह आप इसको स्ट्रक्चर दिस इज बेंजीन ओके तो आप क्लो uh, क्लोरोफाम ले सकते हैं एंड शुगर सल्यूशन ले सकते हैं डिजिटल वाटर दिस इज द डिजिटल वाटर एंड बेंजीन दिस इज द फर्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल एंड फोर एंड फाइव नेक्स्ट इज लाइक दिस एल्कोहल 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 दैट मीन्स आर ओ एच सी एच थ्री ओ एच मेथिल एल्कोहल एंड सी टू एच फाइव ओ एच एथिल्कोहल तो दिस इज दिल्कोहल दिस इज द मेथिल्कोहल एंड दिस इज द फार्मूला ऑफ केमिकल फार्मूला ऑफ एथिल्कोहल ओके आई होप क्लियर दैट दिस इज द कोवायलेंट कंपाउंड ओके एंड वन मोर लाइक दिस सिक्स एग्जाम्पल पेट्रोल पेट्रोल तो ये एग्जाम्पल कोवेलेंट कंपाउंड को लेंगे कुछ मैजिक यहाँ पे सीखेंगे एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ पे लाइक दिस नॉट कुछ ओपी शर्मा का मैजिक सॉरी तो यहाँ पे हम कुछ मैजिक सीखेंगे कैसा एक्सपेरिमेंट करके आई होप क्लियर हो रहा होगा तो आयनिक कंपाउंड आयनिक कंपाउंड लाइक दिस फर्स्ट इज यने पहले तो आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पलों को आप सीख ले तभी आप पता भाई ये धीरे धीरे आप इनको सबका बहुत यूज है दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड एंड दिस इज द आयनिक कंपाउंड तो अभी और चीज़ें यहाँ पे सीखेंगे बस बने रहिए तो ये सोडियम सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड एंड नेक्स्ट सोडियम क्लोराइड नेक्स्ट इज लेट्स लेट्स सपोज द मैग्नीशियम क्लोराइड एम जी सी एल टू मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड सी ए सी एल टू कैल्शियम कैल्सियम क्लोराइड ओके दिस इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द आयनिक कंपाउंड आई होप क्लियर हो रहा होगा ओके एंड लेट सपोज दैट कापर सल्फेट नेक्स्ट इज फोर सी यू एसओ फोर दिस इज ऑल्सो आयनिक कंपाउंड तो सल्फेट, सल्फेट, नेक्स्ट सल्फेड जिंक सल्फेट, जिंक, दिस इज द जिंक सल्फेट, एंड वन मोर एग्जाम्पल मेटल हाइड्रो ऑक्साइड मेटल इड्रो ऑक्साइड यम ओ एच और यम ओ एच का होल्डस तो यहां पे लिथियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड रुबिडियम ओके एंड दिस इज द मेटल हाइड्रोक्साइड दिस इज आल्सो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड दिस इज द सेकेंड ग्रुप फॉर सेकेंड ग्रुप एल्कलाइन मेटल एंड दिस इज द एल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप दिस इज ओनली फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप के लिए है है ना जी पी ग्रुप एंड दिस इज द फर्स्ट ग्रुप तो आई होप कि इससे पहले कि प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखे हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना है ओके okay, बेटा आइए देखते हैं नेक्स्ट बी ई ओ एच का होल ट्वाइस एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ओके एस्टार्टियम हाइड्रोक्साइड तो ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हैं और ये मोर इलेक्ट्रो निगेटिव वाले हैं जैसे कि सी एन सी एन हो या ओ OH एच हो ये माइनस या सी एल माइनस या फ्लोरिन माइनस ये सब मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट uh, है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव मोर इलेक्ट्रो ओके मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव यहां तक क्लियर है ओके okay. तो ये इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड एंड कोवाट कंपाउंड यहां पे हम देख रहे हैं ओके okay? तो अब देखिए यहां पे मैजिक ये हमने एक uh, एक्सपेरिमेंटल यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ये हमने सिक्स वोल्ट की बैटरी लिया है सिक्स वोल्ट की बैटरी लिए हैं ओके एंड दिस इज़ द प्लस एंड माइनस और एक एम अमीटर uh, लगा दिए हैं अमीटर से हम रीडिंग काउंट करेंगे रीडिंग काउंट करेंगे अमीटर का वर्क होता है यहाँ पे रीडिंग काउंट करना और एक बल्ब लगा दिए हैं ओके एंड uh, एक हमने इलेक्ट uh, इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिया है इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिए हैं दिस इज द इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड दिस इज द कैथोड ओके दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड आई होप क्लियर हो रहा होगा प्लीज बी केयरफुली एंड तो यहाँ पे दिस इज द कैथोड एंड दिस इज द एनोड वाटर और सम लिक्विड या तो यहाँ पे हम वाटर ले ले रहे हैं यश टूओ ले, ले रहे हैं या तो इसके लिक्विड हम लेंगे है ना इन्हीं का हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इन्हीं को लेकर के एक्सपेरिमेंट करेंगे अब देखिए यहाँ पे अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाली अगर हम इस आयोनिक कंपाउंड को इनमें से किसी को भी लेते हैं किसी को भी लेते हैं तो ये यानी यानी प्लस सी एल माइनस में ब्रेक होगा एम जी एम जी एम जी सी एल एम जी सी एल टू माइनस और ये प्लस टू और सी ए सी एल टू तो सी ए प्लस टू और ये टू सी एल माइनस टू सी एल माइनस ऐसे ब्रेक होंगे ओके सी यू यस ओ फोर सी यू सी यू प्लस टू यश ओ फोर माइनस इसमें ब्रेक होंगे एंड जिंक जेड एन प्लस टू यस माइनस माइनस यहाँ पे डबल माइनस होंगे है ना तो यहाँ पे हम इस तरह इसको डबल माइनस या क्लोरीन होगा तो टू क्लोरीन ही रखेंगे इसको इस तरह कर लें ओके तो अगर कोई भी इनमें से एटम लेट सपोर्ट दैट कि माइनस ये इस तरह आयन में ब्रेक हो जाएंगे ओके आयन में ब्रेक हो जाएंगे तो ये आयन के माध्यम से जब इसमें सिक्स वोल्ट का करंट फ्लो करेंगे और इसमें ये कोई भी आयनिक कंपाउंड लेते हैं तो ये बल्ब जलने लगेगा ये बल्ब जलने लगेगा ओके नाउ इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड ऑब्जर्वेशन प्लीज़ नोट करिएगा अपनी नोटबुक में इम्पोर्टेंट है ओके okay? तो वेन द करेंट इज पास इन द सल्यूशन ऑफ़ द इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड इलेक्ट्रोवाइलेंट कंपाउंड में जब हम करेंट पास करेंगे मैग्नीशियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी ओ एच लाइक दिस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कापर सल्फेट दिस इज द कापर सर्फे बल्ब आर ग्लो बल्ब जल जाएगा द सो दे अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम मतलब कि यहां पे इलेक्ट्रिक करंट पास होगी अगर ये आयनिक कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड मतलब आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलेंगे ओके अगर ये है तो नाउ नेक्स्ट अब दस आयनिक कंपाउंड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आयनिक कंपाउंड आपका गुड कंडक्टर होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आवर एक्वास स्टेज ड्यू टू फ्री मोबाइल ऑफ आयन इट्स है फ्री मोबाइल ऑफ आयन तो ये गुड कंडक्टर होगा यहाँ पे जो करंट होगा वो पास हो जाएगा वो ये फ्री आयन की वजह से यहाँ पे करंट पास हो जाता है ओके आई होप क्लियर दैट तो ये रहा आपका एक्सपेरिमेंट तो रहा मैजिक बल्ब आपका जल गया ओके नाउ नाउ कोवायलेंट कंपाउंड नाउ हेयर कोवायलेंट कंपाउंड आई डिस्कस हेयर लाइक दिस क्लोरोफार्म सुगर सोलूशन डिजिटल वाटर बेंजीन या एल्कोहल मेथिल्कोहल या एथिल्कोहल लेंगे इसमें बल्ब नहीं जलेगा रिजल्ट है इसमें बल्ब ग्लो नहीं होगा आपका बल्ब नहीं जलेगा ओके तो यहाँ पे बल्ब नहीं जलेगा क्यों नहीं जलेगा क्योंकि आयनिक कंपाउंड नहीं होता है आयंस फ्री आयंस नहीं होते हैं यहाँ पे इसके पास कोई फ्री आयन है मोर इलेक्ट्रो और मोर पॉजिटिव ऐसा नहीं है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है मोर इलेक्ट्रो का डिफरेंस होता है तो वहाँ पे सेफ्रेशन हो जाते हैं चार्ज का डोनेट कर देगा एल्कली मेटल या एल्कलाइन अर्थ मेटल का कोई भी एलिमेंट है अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर के वो अलग हो जाएगा डोनेट कर दिया इसीलिए वो प्लस चार्ज और जिसने एक्सेप्ट किया वो एक्सेप्टर है इसीलिए वहाँ पे माइनस चार्ज तो आयन बन गए कैटाइन और एन आयन अब इसी कैटाइन और एन के माध्यम से इसी मीडियम की वजह से यहाँ पे चार्ज का इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो जाता है ओके तो आई होप क्लियर हो गया होगा और यहाँ पे ऐसा नहीं होता है नहीं होते हैं तो आ, देखिएगा ऑब्जर्वेशन वेन द करेंट इज पास थ्रू द सल्यूशन ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड दैट इज डिजिटल वाटर शुगर सल्यूशन एल्कोहल बेंजीन एंड डज नॉट डज नॉट डज नॉट ग्लो योर बल्ब बल्ब नहीं जलेगा दिस सो दैट दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी दस मॉलिक्यूल नॉट आयनिक एंड नो आयंस इट है ये आपका क्वेश्चन रहा है इसमें हम कुछ क्वेश्चन कुछ को लेते हैं और क्वेश्चन को लेकर के एक बार उसको देखते हैं आई होप के हमें यहाँ पे सीख लेना चाहिए देन उसके बाद क्वेश्चन करते हैं तो ये क्लियर हो गया होगा ओके आए चलते हैं इसमें कुछ और चीज़ें पढ़ते हैं कुछ और चीज़ें लाइक दिस है कोऑर्डिनेट बांध कैसे कोऑर्डिनेट बांध का फॉर्मेशन होता है ये हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन बाड देखेंगे देन उसके बाद हाइड्रो अमोनियम आयन एंड हाइड्रोनियम आयन हार्मोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है और हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला क्या होता है तो यहाँ पे आइनिक बांध कोआर्डिनेट बनते हैं, कब बनते हैं इनका क्या है इंपॉर्टेंस ओके आइए देखते हैं मजेदार और बहुत ही ये कंसेप्ट रहा <laughs> तो चाशनी आप लोग तो चाशनी खाते होंगे तो आइये आपको कुछ और अच्छी अच्छी चाशनी देते हैं मेरे प्यारे बच्चों और कान खोल के बैठिए टोपा पहन के मत बैठिए है ना नहीं इधर से भी टोपा लगा ले इधर से भी टोपा लगा ले बिल्कुल से कंसंट्रेट हो जाए तो ऐसा नहीं करें तो कोऑर्डिनेट क्वारिनेट का फॉर्मेशन कैसे होता है नाउ कोऑर्डिनेट कोआर्डिनेट कोऑर्डिनेट का बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है सबसे पहले यहां पे हम ये देखेंगे नाउ दिस इज द अमोनिया अमोनिया केमिकल फार्मूला एनएच थ्री सो so, अमोनिया का अगर डॉट स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये एन एच एच एंड एच वन वन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये सेयरिंग में आ गए थ्री नाइट्रो वन नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन एंड वन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ये सेरिंग में आ गए ओके okay? तो थ्री इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के शेयरिंग में है और इसके आउटर सेल में टू इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतना तो आप लोग बड़े हो गए होंगे सीख चुके होंगे इससे पहले के पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री हैं अगर इनका हम इनका हम किसी के साथ रिएक्शन करा दें लेट सपोज दैट कि एन एच थ्री एन एच थ्री अब प्लस यच यच टू ओ याच टूओ के साथ रिएक्शन करा रहे हैं तो ये कुछ बना रहा होगा यहाँ पे ये अमोनिया के पास नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और इस यहाँ पे ये एच एच प्लस और ये ओ एच माइनस में ब्रेक हो गया है है ना क्योंकि दो हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन कुछ इसका स्ट्रक्चर इस आप देखिए ये इस तरह है तो ये मोर इलेक्ट्रो है तो इधर को अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा एक और खींचेगा और यहाँ पे ये माइनस चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो यही सी को हमने इस तरह ब्रेक करके दे अब जैसे यहाँ पे ये लोन पेयर देखेगा ये तुरंत ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा इस हाइड्रोजन क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो गया है इस ये खाली पड़ा हुआ है हाइड्रोजन के जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन थे अब यहाँ पे जीरो इलेक्ट्रॉन हो गए हैं जीरो जीरो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, ओके तो इसके पास जीरो इलेक्ट्रॉन है और इसके पास ये है तो इसने इसको दे दिया तो ये बनाया कैसा होगा नाइट्रोजन दिस एंड दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन तो ये इसको बोलते हैं यहां पर ये हाइड्रोजन प्लस वाले को इलेक्ट्रॉन दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे इसके पास जो दो इलेक्ट्रॉन फ्री थे नाइट्रोजन के पास वो दे दिया हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को यहां पे दे दिया है ये कोऑर्डिनेट बना दिया कोऑर्डिनेट बाड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है ओके okay? तो कोऑर्डिनेट बाड या इसको हम डेटिव बाड भी बोलते हैं और डेट्यू इसको डेट्यू okay? तो समझ पा रहे हैं ओके okay? तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लोन पेयर तो आप समझ रहे होंगे ना दिस इज द लोन पेयर ऑफ दिस ओके तो नाउ दिस इज दिस इज द अगर डॉट स्ट्रक्चर की बात आती है तो डॉट स्ट्रक्चर इसका ये है दिस इज द डॉट स्ट्रक्चर डॉट स्ट्रक्चर ओके तो ये डॉट स्ट्रक्चर आपका हो गया है और ये यहां पे आ, यहां पे फॉर्मेशन किया तो यहां पे अब हम क्या कह सकते हैं ये पॉजिटिव तो इस इस पूरी को अगर केमिकल कंप केमिकल फार्मूला लिखें केमिकल फार्मूला इस स्ट्रक्चर का दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन स्ट्रक्चर ऑफ इस यहां पे आप दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन ओके दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अमोनियम आयन तो केमिकल फार्मूला ऑफ अमोनियम आयन कैसे एन एच फोर प्लस अगर अमोनिया की बात करते दिस इज द अमोनिया दिस इज द अमोनिया एंड दिस इज द वाटर वाटर ओके okay? तो ये भी लोन पेयर होता है ओके okay? तो आई होप कि आप समझ गए होंगे तो अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो हेडिंग आप यहाँ पे डालेंगे जो सबसे ऊपर फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन ओके okay? फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन यहाँ पे आप लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ फार्मेशन ऑफ अमोनियम आयन तो यहाँ पर इसको डाट स्ट्रक्चर को हम हटा देते हैं दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन अमोनियम आयन का फॉर्मेशन कैसे हुआ तो आई होप क्लियर हुआ होगा तो क्या इसमें अगर आपको थ्यूरी लिखना हो तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर हालांकि थ्यूरी इसमें लिखने की कोई ऐसा वो है नहीं आप इसको बता सकते हैं एंड नेक्स्ट फार्मो फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन ऑफ यहां हेडिंग डालिए सेकेंड फॉर्मेशन फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन केमिकल फार्मूला क्या होगा यच थ्री ओ प्लस ये हाइड्रोनियम आयन का फार्मूला हो जाएगा ओके और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फार्मेशन ऑफ द हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल आयन कैसे बनेगा तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ लें फिर उसी से हाइड्रोनियम आयन बन जाएगा तो अगर हम चलिए हाइड्रोनियम आयन का ही पहले फॉर्मेशन आप हाइड्रोनियम आयन अगर डालेंडिंग तो इसी का कर लेते हैं यहाँ पे वाटर एच एच टू ओ लेंगे वाटर के दो मालिक्यूल लिए हमने और यहाँ पे दो मालिक्यूल लिए तो देखिए वा इसके पास क्या होता है लोन पेयर होता है तो यहाँ पे हम क्या ऐसे दिखा दें एच ओ एच और प्लस एच ओ एच ओके तो ये इसका क्या है ये डॉट स्ट्रक्चर मतलब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में है ऑक्सीजन के सिक्स होते हैं तो ये सिक्स इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे ये सिक्स इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये टू लोन पेयर हैं ये क्या है लोन पेयर है लोन पेयर तो कितने हैं एक ऑक्सीजन के पास टू लोन पेयर तो यहाँ पे लिख सकते हैं टू लोन पेयर यहाँ पे भी टू पेयर हैं ओके अब देखिए मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम ऑक्सीजन है तो इधर को इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन दे करके फ्री हो जाएगा मतलब वो अनस्टेबल हो जाएगा तो यहाँ पे जो दे दिया वो पॉजिटिव जो ले लिया वो निगेटिव तो ये H प्लस और ओ एच माइनस का फॉर्मेशन कुछ ऐसे किए फिर उसके बाद ये यह, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई हाइड्रोजन आयन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई डिफिशियंट ऑफ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन इज अ डिफिशियंट आयन ओके सो दिस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट टू दिस हाइड्रोजन मतलब ये हाइड्रोजन अट्रैक्ट होगा इस हाइड uh, ऑक्सीजन के लोन पेयर की तरफ तो ये फॉर्मेशन क्या करेंगे यहां पे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इसका डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो दिस दिस इज दाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन एंड टू लोन पेयर एंड दिस एच तो यहाँ पे ये क्या किया इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हाइड्रोजन को तो ये डेटिव बॉन्ड एरो बना देंगे एरो बना देंगे तो यहाँ पे अब ये क्या होगा हाइड्रोनियम आयन यहाँ पे एच एच थ्री ओ प्लस तो इसका ये फार्मूला क्या बना एच थ्री ओ प्लस इसी को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन यही हाइड्रोनियम आयन है और ये पार्टिकुलर हाइड्रोक्सिल आयन हो गया है हाइड्रोक्सिल आयन ओके हाइड्रोक्सिल आयन दिस इज द हाइड्रोक्सिल आयन हाइड्रोक्सिल आयन का फॉर्मेशन कैसे फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन तो फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन अगर इसका फॉर्मेशन आपको करना है तो एक केवल यहां पे हेडिंग डालिए थर्ड फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन वाटर लीजिए और इसको हीट करिए और ये एच प्लस और ओ एच माइनस में तो दिस इज द हाइड्रोक्सी आयन एंड एच आयन सो नाउ द हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रेक्सिल आयन इज ओ एच माइनस लाइक दिस ओ एच माइनस इट इज फॉर्म वेन वन हाइड्रोजन आयन एच प्लस इज रिमूव फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल्स ओके वेन एच प्लस इज रिमूव फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल द सेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन विथ ऑक्सीजन एज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव सो एंड दे हाइड्रोक्सिलगेटिव चार्ज ओके सो ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एंड सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर तो वट वी सेटर मालिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन एटम वाटर मालिक्यूल कंटेन टू हाइड्रोजन एटम एंड वन ऑक्सीजन आइटम ए पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड एच प्लस इज फॉर्मेड वेन वाटर आयोनाइज और ये रिवर्सबल होंगे जैसे कि एच दिस इज द एच टू हो एंड इसको फिर से हम कन्वर्ट कर सकते हैं वाटर में तो एच प्लस एच को फिर से वाटर में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन कब करेंगे एच प्लस आयन इज़ ट्रांसफर फ्रॉम ओ एच वन वाटर मॉलिक्यूल टू द ऑक्सीजन एटम ऑफ एनदर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मिंग हाइड्रोनियम आयन लाइक दिस तो ये टू मॉलिक्यूल यहाँ पे लिए हैं तब इसका फॉर्मेशन हुआ है तो ये इसका प्रोडक्ट uh, है ये आपका प्रोडक्ट है ये फार्मेशन कैसे हुआ यहाँ पे हम इस तरह कह दें कि दिस इज द ओ एच माइनस एंड एच ओ एच माइनस एंड एच थ्री ओ प्लस दिस दिस इज हाइड्रोक्सिल एंड दिस इज द हाइड्रोनियम एंड ओके आई होप क्लियर दैट आओ तो अब यहाँ पे हम क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग फिनिश्ड होता है तो यहाँ पे अब हम लेंगे आइए चलते हैं देखते हैं कुछ क्वेश्चन लेते हैं उनको डिस्कस करते हैं ओके okay, बेटा आइए बहुत अच्छे ओके okay. तो ये क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज केमिकल के एक्सरसाइज है यदि ये क्वेश्चन आप कर लेते हैं तो इसका मतलब आपको केमिकल बॉन्डिंग बेहतर से समझ में आ गया है जो हमने चीजों को पढ़ाया जिन कंसेप्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे डिफाइन ए कोऑर्डिनेट एंड गिव द कंडीशन फॉर इट्स फॉर्मेशन ओके कॉर्डिनेट बाड के कंडीशन बताना अभी क्वेश्चन अभी बताए हैं वट डू यू अंडरस्टैंड बाई लोन पेयर एंड शेयर पेयर अभी लोन पेयर और शेयर पेयर शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर को बताए हैं लोन पेयर कोर्डिनेट बाड में पार्टिसिपेट होते हैं और शेयर पेयर जो होते हैं वो कोवायलेंट बाड का वहाँ पे फॉर्मेशन होता है कोवायलेंट बॉन्ड ओके okay. तो जैसे यहाँ पे एन एच थ्री से ये एन एच थ्री से एच प्लस अगर मिला था तो ये एन एच थ्री एन एच एन एच दिस इज द एन एच फोर एन एच फोर यहाँ पे कोवाइलेंट uh, बॉन्ड भी है देखिए दिस हाइड्रोजन दिस हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन एंड दिस तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी है, आयनिक बॉन्ड भी है कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड शेयर पेयर ये कोवैलेंट बॉन्ड दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट, कोवैलेंट बॉन्ड आयोनिक बॉन्ड दिस इज द आयोनिक बॉन्ड ओके एंड दिस इज द, दिस इज द कोऑर्डिनेट बाउंड ये आपका कोऑर्डिनेट बांड हो गया तो इसमें अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन अगर लेते हैं तो वहां पे कोऑर्डिनेट बांड, आयनिक बांड और कोवेलेंट बांड सभी मिल जाएंगे ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल अब इसमें आपको डिस्क्राइब करना है वाटर कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्सिल ऑक्साइड ये सभी बताए हैं मेथेन भी आपको बताए हैं अमोनियम आयन भी हैं अमोनियम क्लोराइड भी बताए हुए हैं ड्रा आयन इलेक्ट्रॉन डार्ट डाइग्राम इलेक्ट्रॉन डार्ट डाइग्राम क्या होता है ये भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए हैं ओके टू शो स्ट्रक्चर ऑफ ईच फॉलोइंग हाइड्रोनियम आयन एंड अमोनियम आयन एंड हाउड्रोक्सिल आयन स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्डिंग प्रेजेंट इन देम गिव टू एग्जाम्पल इन ईच केस क्वारिनेट बॉन्ड एंड क्वारेट बॉन्ड्स कंपाउंड तो कॉर्डिनेट बॉन्ड जैसे कि यहाँ पे एन एच फोर प्लस अभी बताए हैं और आपका यहाँ पे एच थ्री ओ प्लस ये दो तो एग्जाम्पल हो गए हैं याद हो जाएंगे इतनी बार करा दें हैं कि सब याद रहेंगे आपको सॉलिड कोवेलिन कम्पाउंड कौन से होते हैं गैशियस नॉन पोलर कंपाउंड सेकेंड लेक्चर में इसको हमने थर्ड लेक्चर में बहुत कायदे तक डिस्कस किया गैसियस पोलर कंपाउंड गैसियस पोलर कंपाउंड क्या होते हैं जैसे कि यस ओ यस टू यस टू सी एल टू ये भी आपका क्या है गैसियस पोलर कंपाउंड है एंड लिक्विड नॉन पोलर कंपाउंड ये एग्जाम्पल देना है तो थर्ड लेक्चर में सारे डिस्कशन है एलिमेंट एम कोई एम एलिमेंट है फॉर्म क्लोराइड विथ फार्मूला एम कोई मेटल है सॉलिड विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मोस्ट लाइकली बी इन द ग्रुप इन विच इनमें से कौन सा होगा तो फर्स्ट ग्रुप से लेकर के सेकेंड ग्रुप थर्ड ग्रुप एंड फोर्थ ग्रुप लेफ्ट टू राइट जाने पे लेफ्ट टू राइट इसकी मेल्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट इंक्रीज करती है Then उसके बाद uh, का कर डिक्रीज करती है तो ये याद होना चाहिए ओके okay? याद रहेगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आई होप क्लियर दैट और इस क्वेश्चन को आप कर लेंगे थर्ड लेक्चर जरूर देखें तभी आपको क्लियर होगा फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट सेकेंड टॉप टू बॉटम जाने पे फर्स्ट एंड सेकेंड की अगर यहाँ पे बात करते हैं क्या हम इधर रफ कर दें इसको फर्स्ट एंड सेकेंड की बात करते हैं फर्स्ट फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम जाने पे हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम uh, या यहाँ पे बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप टू बॉटम यहाँ पे जा रहे हैं टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप टू बॉटम जाने पे यहाँ पे डिक्रीज करेगी क्या मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पे डिक्रीज करेगी ओके okay? टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करेंगे एंड थर्ड से फोर्थ इंक्रीज करती है थर्ड एंड फोर्थ यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखिएगा ये इंपॉर्टेंट नोट है नोट एंड सेकंड पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ में मेल्टिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे टॉप टू बॉटम जाने पे मेल्टिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट ये आपका डिक्रीज करेगा तो ये इंक्रीज करेगा ये नोट सेकेंड है ओके okay? तो इस तरह आप रिजल्ट को याद रखें एंड फर्स्ट टू सेकेंड अगर लेफ्ट टू राइट जाने पे तो इंक्रीज करती है ये इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट हैं इनको जरूर याद रखें शॉर्ट नोट बनाते हुए इनको याद रखें ओके ड्रा एन इलेक्ट्रॉन डॉट डाइग्राम ऑफ द स्ट्रक्चर हाइड्रोनियम आयन स्टेट द टाइप ऑफ द बॉन्डिंग प्रेजेंट इन इट आपको बॉन्डिंग बताना है कैसी बॉन्डिंग देयर आर दे थ्री एलिमेंट ई एफ जी विथ एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर जिनका है 19 दैट मीन पोटेशियम ऑक्सीजन एंड क्लोरीन ये हैं आप इसमें आईने की पूछा होगा रिस्पेक्टली गिव द मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्मेट बिटवीन ई एंड जी ई एंड जी ओके ई एंड जी तो दिस इज द ई एंड जी यानी कि दिस इज दिस इज द जी एंड दिस इज द एफ तो के सी एल ये आपका के सी एल के सी एल कंपाउंड है आयनिक कंपाउंड है के सी एल ओके एंड स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड इन दिस कंपाउंड इसमें कैसा बॉन्ड होगा आयनिक बॉन्ड होगा ओके okay? तो यही एग्जाम्पल आपको डिस्क्राइब uh, करना है ओके द मालिक्यूल विच कंटेन आ ट्रिपल कोवायलेंट बॉन्ड इज अमोनिया मेथेन वाटर नाइट्रोजन द मॉलिक्यूल विच कंटेन ट्रिपल कोवायलेंट बॉन्ड ट्रिपल कोवायलेंट बॉन्ड अमोनिया मेथेन वाटर नाइट्रोजन तो दिस इज आल्सो नाइट्रोजन आल्सो डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर तो यहाँ पे ट्रिपल कोवायलेंट बॉन्ड दिस इज द कोवैलेंट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड इट्स हाइव इलेक्ट्रो जीरो एंड दिस इज द ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड आई होप क्लियर हो गया होगा लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा यहाँ पे अगर कोई भी आपको पार्ट लगता है कि समझ में नहीं आ रहा है तो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें तभी ये क्लियर हो पाएगा ओके तो आज हम यहाँ पर केमिकल बाए हैं इसके बाद हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और ये आपको इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं बोर्ड आई बोर्ड या सी बोर्ड के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए यह लेक्चर बनाया जा रहा है वाईफाई स्टडी सर्कल में और बहुत जल्द एप लॉन्च करेंगे हम और उस एप में सारे वीडियो प्रॉपर वीडियो मिलेंगे आपको ओके तो ये हाई स्कूल के लिए हम हाई स्कूल को और जो कंपटीशन फ्यूचर में देना चाहते हैं मेडिकल या इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके लिए ये हम उनको मद्देनज़र नज़र रखते हुए यह वीडियो शूट कर रहे हैं कंटेंट लेकर के ऐसा स्टैंडर्ड कंटेंट लेकर के चल रहे हैं जो आप एलेवेंथ और ट्वेल्थ में पढ़ेंगे और आई टी जे नीट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ आपको ये बहुत हेल्प करेगा इसीलिए यह कंटेंट को हम यूज कर रहे हैं और ब्रीफ़ डिस्कशन करते हैं और यहाँ पे थोड़ा सा वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाती है कोशिश करते हैं कम रहे लेकिन कंटेंट हमें देना है तो वीडियो की लेंथ हो गई आपको यह मालूम होना चाहिए कि जो लोग आईआईटी की मेडिकल की प्रिपरेशन भविष्य में करेंगे करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको ब्रीफ में ही पढ़ना पड़ता है क्वेश्चन अच्छे आते हैं कंसेप्चुअल आते हैं आपको बेहतर कंटेंट हाई स्कूल का अपना पूरा सिलेबस बढ़िया से तैयार रखना है खास करके अपना फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री फिर ट्वेल्थ में स्ट्रीम बदलती है तो वहाँ पे हालांकि पूरा आपको टेंथ क्लास की फिजिक्स मैथ एंड केमिस्ट्री पूरी तरह से सब बढ़िया से पढ़े रहेंगे तभी वहाँ कैलकुलेशन भी बेहतर कर पाएंगे तो इसीलिए बेहतर तरीके से साइंस और मैथ को फोकस कर और इसके जो भी कंसेप्ट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें इसमें कोई आप लापरवाही ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप पढ़ाई करें सोने की गलतियाँ मत करें कि आप आराम से सो रहे हैं तो ऐसी कोई गलती ना करें बढ़िया खाएँ मस्त रहें और तंदुरुस्त रहकर खूब सोएँ और खूब पढ़ाई करें ताकि भविष्य में आपका अच्छा फ्यूचर बन सके बेहतर फ्यूचर के लिए हम आपके साथ हैं और हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि वाई फाई स्टडी सर्किल के माध्यम से आपका बेहतर भविष्य बने थैंक यू गुड नाइट बाय बाय टेक केयर